हेलो स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2023 का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है कोड कौन सा फिल करें, 12th इस साल अपीयर हो रहे हैं या फिर 12th लास्ट ईयर पास की थी, ड्रॉपर हैं या फिर कोविड के टाइम में आप प्रमोट हुए थे, आप कैसे 12th पास करके आए हैं। इसके अलावा आप अगर कोई डिग्री कर चुके हैं, BSc, BAMS, BBSc, किसी भी तरीके का कोई कोर्स आप कर चुके हैं, कहीं किसी इंडियन यूनिवर्सिटी और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उससे डिग्री आप कर चुके हैं, BTech आपने किया है, आप NRI हैं, क्या कंडीशन, क्या स्टेटस आपका है, इसके अकॉर्डिंग आपको कोड चूज करने हैं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अब तक अप्लाई नहीं किया है, तो आइए कोड पे बात करते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट UG जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, 1 to 7 कोड दिए गए हैं। सबसे पहला कोड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कोड 1, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोड्स। देखिए, कोड 1 उन बच्चों के लिए है जो 2023 में 12th के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, किसी भी बोर्ड से एग्जाम अपना दे रहे हैं, उनके लिए है ये। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको ध्यान रखने की है, इन्होंने कहा है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और द अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज द मेन सब्जेक्ट एक्सपेक्ट टू पास द एग्जामिनेशन विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज। जो आपको पता है, जनरल के लिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% है, और इसके अलावा कैटेगरी जो है रिजर्व उनके लिए 40% मार्क्स है, इनके साथ आपका पास होना जरूरी है। तो कोड 1 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में 12th में अपियर हो रहे हैं। नेक्स्ट कोड 2 देखिए, कोड 2 आपको दिया गया है, कोड 2 में बड़ा झमेला है। कोड 2 के झमेले को समझ लीजिए, आपने लास्ट ईयर 12th पास किया है या फिर उससे और भी पहले आप 12th पास कर चुके हैं, आप ड्रॉपर हैं या फिर आप जो है वो किसी भी दूसरे तीसरे चौथे मतलब इससे पहले के सालों में 12th पास करके आए हैं, तो ये आपके लिए है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी भी ओपन स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में 12th पास कर चुके हैं तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया है। लेकिन इस नीट के बुलेटिन में ही एक जगह एक बात ये मेंशन की गई है कि ऐसे कैंडिडेट्स भी जो है वो क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। वो एलिजिबल कब हो सकते हैं, देखिए ये एक सेंटेंस दे रखा है ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है 24 सितंबर 2019 का, उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो सकते हैं, बट इट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट। MCI जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल कमेटी है, उसने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, तो ये मामला अभी उसके अधीन है। NTA जो टेस्टिंग एजेंसी है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे ओपन स्कूल से या फिर प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में पास कर चुके हैं उनको नीट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काउंट नहीं किया जाएगा, वो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोड 2 कौन से कैंडिडेट्स के लिए रहा, आपने 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में अगर 12th का एग्जाम पास किया तो डेफिनेटली आप इसी कोड के अंडर आते हैं। कुछ और ब्रीफिंग के साथ मैं बच्चों बात कर रहा हूं, इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज से आप हैं तो भी आप इसी कोड के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है कोड 3, इसमें देखो लिखा है इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और द अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कंडीशन ये है कि आपके पास ये प्रैक्टिकल टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इसके फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और साथ में इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ स्टेट्स में, जैसे कुछ स्टेट्स के जो बोर्ड हैं वो इसी के अंडर आते हैं जो इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन में कंसिडर किए जाते हैं, स्पेसिफिकली साउथ के, जैसे कर्नाटक की बात मैं कर सकता हूँ। कोड नंबर 4 पे बात करते हैं, कोड नंबर 4 कौन फिल कर सकता है, यहाँ लिखा है प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग द आइदर और द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो BAMS हैं, BHMS हैं, जिन्होंने होम्योपैथी में डिग्री की है, जिन्होंने आयुर्वेद में डिग्री की है, जो वेटनरी साइंस की डिग्री कर रहे हैं, वो सारे फार्मा वाले हुए, नर्सिंग वाले हुए, वो कोड नंबर 4 में, कोड नंबर 4 में आएंगे। अगर आपने फार्मा किया है, आपने नर्सिंग में डिग्री की है, आपने आयुर्वेद में डिग्री की है, आपने होम्योपैथी में डिग्री की है, तो कोड नंबर 4 आप फिल करें। इसके बाद कोड 5 देखो बच्चों आपको दे रखा है, जिसमें ये सबसे ज्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं, BSc में एंटर हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर BSc में अगर आप हैं, मतलब BSc अभी तक अगर आपने पास नहीं की है तो डेफिनेटली आप इसी कोड में आएंगे, जो कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें किसी सब्जेक्ट से आप अपीयर हो रहे हो। क्लियर? तो कोड नंबर 5 जो है वो BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब डिग्री के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिग्री अभी कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं की है, फर्स्ट ईयर अथवा सेकंड ईयर में अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कोड 6 है, कोड 6 बच्चों उनके लिए है जो डिग्री अपना कंप्लीट कर चुके हैं, BSc एग्जामिनेशन ऑफ एंड इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड
दैट ही और सी हैज पास द बीएससी एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन टू ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है, इन तीन में से, मतलब कॉम्बिनेशन तीन का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, तो इन तीन में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो आपने अगर ये पास कर लिया है, जनरल बीएससी आपने कर लिया है, तो आपके लिए है कोड नंबर 6। नेक्स्ट कोड नंबर 7, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड द स्टैंडर्ड लास्ट 2 ईयर्स ऑफ द 10+2 स्टडी। और ये कहां के लिए है, देखो बहुत क्लियर लिखा है, इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड। इसके अलावा वो कह रहा है इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ द ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट। तो ये आप एनआरआई कैंडिडेट्स जो है उनके लिए मेंशन किया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कोड फर्स्ट जो होगा वो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, कोड सेकंड जो है वो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट ईयर्स में पिछले कुछ सालों में पास कर चुके हैं, कोड थर्ड जो है बच्चों आपके पास वो एक तरीके से इंटरमीडिएट और इंटर साइंस स्कूल बोर्ड के लिए है जो स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स में है, कोड फोर जो है वो बच्चों आपके पास है यहाँ बीएएमएस, बीएचएमएस, फार्मा और नर्सिंग जैसे डिग्री और कोर्सेज वालों के लिए, कोड फाइव जो आपके पास है ये कोड फाइव है बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो अपीयर हो रहे हैं, मतलब फाइनली अभी डिग्री नहीं की है उनके लिए, एंड कोड सिक्स जो है वो अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएससी या जनरल डिग्री ग्रेजुएशन बीएससी बीएससी ऑनर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, एंड कोड सेवन उनके लिए है जो एनआरआई है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखें, एनटीए ने बहुत क्लियरली कहा है इंक्लूडिंग कैटेगरी, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरीके के करेक्शन की, किसी भी तरीके के करेक्शन की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। सो चेक योर फॉर्म बिफोर सबमिशन। थैंक यू।